जय माता दी। दोस्तों, इन दिनों माँ दुर्गा की विशेष आराधना के दिन चल रहे हैं। चैत नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। रामनवमी तिथि के दिन हवन और कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। वहीं कुछ लोग महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन करके व्रत का पारण करते हैं। अष्टमी तिथि पर महागौरी का पूजन किया जाता है और नवमी पर माँ सिद्धिदात्री का। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर दोनों ही दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसके बारे में बताएंगे। साथ ही व्रत का पारण कैसे करें उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन के मुहूर्त के बारे में। बता दें कि अष्टमी तिथि का प्रारंभ 28 मार्च को रात 7:02 पर होगा और समापन अगले दिन रात 9:07 पर होगा। ऐसे में अष्टमी का कन्या पूजन 29 मार्च को किया जाएगा। वहीं इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:42 से 5:29 तक रहेगा और अमृत काल सुबह 9:02 से 10:49 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन पूरा दिन शोभन योग रहेगा। ऐसे में आप कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं। इस मुहूर्त में कन्या पूजन करना अति शुभ फलदायी रहता है। अब बात करते हैं नवमी तिथि पर कन्या पूजन के मुहूर्त के बारे में। बता दें कि नवमी तिथि का प्रारंभ 29 मार्च को रात 9:07 पर होगा और इसका समापन 30 मार्च को रात 11:30 पर होगा। ऐसे में नवमी का कन्या पूजन 30 मार्च को किया जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:51 तक रहेगा। वहीं इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:42 से 5:29 तक रहेगा। बता दें कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, जो सुबह 6:14 से अगले दिन सुबह 6:13 तक रहेगा। माना जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ये योग कन्या पूजन के लिए अति शुभ माना जाता है। आगे आपको बताते हैं व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। व्रत का पारण करने से पहले कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन और हवन के बाद आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं के पैर धोएं। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें, उन्हें सम्मान से विदा करें। इसके बाद हवन करना चाहिए, फिर प्रसाद खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। नवरात्रि पूजन और व्रत कन्या पूजन के बगैर अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन 9 कन्याओं को माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा एक बालक को कन्या पूजन में बिठाया जाता है, इसे भैरव बाबा का रूप माना जाता है। कन्या पूजन में माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जय माता दी लिखना न भूलें। कुंडी टीवी डेस्क से तान्या की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।